ओ अम्मा, हमारी अम्मा गुस्सा। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज जो सुबह की शुरुआत हुई है, मेरी थोड़ी ख़राबी हुई है क्योंकि जो इससे पहले वाला व्लॉग था उसे अपलोडिंग करने में इतना सर दर्द हो गया, पूछो मत। मैंने इसे रात में अपलोड पे लगाया था, पहले रात में लगाया तो स्लो अपलोड हो रहा था, मैंने सोचा हो जाएगा, फिर रात में मेरी नींद खुली तो देखा वो 40% ही हुआ है। फिर मैं सुबह उठा तो तब भी 100% नहीं, तब भी वो 60% मटका था। फिर मैंने उसे कैंसिल करके दोबारा अपलोड में लगाया, बहुत वो करा, तब जाके वो अभी अपलोड हो गया है शायद। तो अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज की। तो आज फिर से वही बच्चे, जो लता थी वो स्कूल चली गई है, छोटे चाचा गए ऑफिस, और अम्मा यहाँ बैठी है यहाँ पे। अभी नाश्ता पानी करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या क्या होता है आज पूरे दिन भर में। तो ये मुझे अभी अम्मा के द्वारा पता चला कि आज घर में मेरे बहुत सारे काम हैं, छोटे से लेके बड़े तक सारे काम निपटाने हैं आज। सही बात अम्मा? सही। बोलो 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 बोलो, चुप क्यों हो? बोलो 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 बोलो। तो आज अब अम्मा कुछ नहीं बोलेगी, तो आज मुझे काम बोलना है, मेरा काम बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा। यही अब देखो, आज बाहर तो ऐसी धूप आ रही है, गर्मियों में बाहर जाने का मन भी होता ही नहीं है बिल्कुल ही। अब शाम को ही जाएंगे जब अपने जिम का टाइम होता है, या फिर कोई दोस्त लोग आ गए तब। तो दोस्तों अब फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, दिन भर अपना काम करके अभी सोचा बाहर चला जाऊँ, थोड़ा जाऊँ क्या, अभी जाता ही हूँ जिम में तो अभी थोड़ा वीडियो ऑन करूँ। घर पर ऐसा कुछ टाइम खास मिला नहीं, ना कुछ खास था दिखाने लायक, सोचा अभी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूँ। आज भी ऐसी अच्छा खासा मौसम है, थोड़ी सी गर्मी है मौसम में, और बाकी यहाँ ये प्यारे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। इनकी मम्मी ने कहीं ले जा रही है शायद। रुक कीजिए, क्या हो गया? स्कूल है, स्कूल के बाहर एक गार्ड अंकल। इतना लगी चैलेंज आता है रोड पार करने का। यहाँ देखो, एक सामने से ट्रैफिक आता है, ठीक है, यहाँ कुछ बैरिकेडिंग कुछ नहीं है, और फिर यहाँ से ट्रैफिक आता है। अभी तो शांत है, पर कभी यहाँ से आता है, कभी सामने से आता है। थोड़ा रोड पार करना थोड़ा सा हल्का फुल्का टफ पड़ता है। तो रोड पार कर चुके हैं फाइनली, एक छोटा मोटा टास्क पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। आज आसमान बहुत ही नीला नीला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पॉल्यूशन कम है। पॉल्यूशन कम ही है, तभी देखो आसमान इतना नीला नीला लग रहा है। ये लोग कोई अपने ऑफिस से। तो अभी मस्त घर पे पहुंच चुका हूँ, अभी नहा धोना करते हैं, उसके बाद फिर खाने पीने का होगा। और यहाँ पे लता अपना ये चार्ट पेपर कर रही है, और इससे यहाँ पे गलत फट गया, इससे यहाँ अब इन्हें कर दिया चार्ट पेपर बेकार। अब पता नहीं क्या करती है सही, अब इसे ऐसा बनाना है। तो ये क्या बना लेता है इसमें? इसे सर मैथ के फॉर्मूले लिखने हैं, है ना? से अच्छा दो में, अच्छा एक 50-50 कर रही है एक चार्ट पेपर में। अब देखो क्या करती है, जुगाड़ लगा रही, देखो कैंची से। इसे मैंने पहले कहा था कैंची से, पर ये ले आई अपने नाखून बीच में। ओ अम्मा, हमारी अम्मा गुस्से में है यार। गुस्से में क्यों है तू? हैं गुस्से में क्यों है तू? गर्मी लग रही है, हैं? अब ताकत नहीं है, गुस्से में जोर है। क्या है, ताकत नहीं है? हाँ, क्या करें क्या करें, बताइए। आप जो देख रहे हैं आप बताइए क्या करें अम्मा, ताकत नहीं आ रही इसे। एक डेकोरेशन आर्ट एक मंगवा, इसे पैक वैक पिलाएं, क्या करें? पैक पिएगी ब्रांडी है सब्जी पीस। अम्मा बेचारी आज परेशान लग रही है, मुझे कोई नहीं तो आराम हुआ, तो ज़्यादा परेशान नहीं कर। तो फाइनली लता का प्रोजेक्ट फटने के बाद अब सही हो के लता ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। और ये जो इसमें कलाकृति हैं ये सब मेरे द्वारा बनाई गई हैं, और लता की मैंने थोड़ी हेल्प कर दी। मैंने कहा चलो बच्चे को भला कर देना चाहिए, अब ये इसमें स्केच कला करेगी और कल अपना नाम लगेगी मैंने बनाया है। ये करेगी तू हैं? और क्या, ये देखो मेहनत किसकी, नाम किसी का। और हमारे घर में अभी कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये मेरे छोटे चाचा अपनी वाइफ से बात करते हुए, ये चाची श्रेया,
और ये हमारी अम्मा अभी दिन में कितनी मुरझाई हुई थी, अब बहू को देख के खुश हो गई अम्मा। तो देखो है ना, बहू को देख के खुश हुई नहीं हुई। ये देखो बहू, ये देखो ये बहू, ये बहू। जीते रहो गुड्डू, क्या कर रहे हो? अपनी शक्ल तो दिखा, अपनी शक्ल तो दिखा। अभी बच्चे नानी के वहाँ गए हुए हैं, मजे आ रहे तुम्हें? मेरी वीडियो लाइक करते हो नहीं करते? तो यहाँ बैच चल रहा है, चाचा अभी थोड़ी देर पहले आए थे, अभी अपना विष्णु भगवान की तरह लेटे हैं। क्या बोलो चाची? बहुत ही फेक पर्सनैलिटी वाली है ये, कैमरा देख के चेंज हो जाती है। तो अभी देखो खाना पीना तो बन गया, बड़े चाचा ने बना दिया खाना, अब खाएंगे खाना पीना और फिर करेंगे ब्लॉग एडिट। अभी ब्लॉग एंड नहीं करते हैं, पहले खाना खाएंगे। कल भी मैंने ऐसे ही करा, खाना खा लिया उसके बाद बोला पहले खाना दिखाऊंगा। चाचा कह रहे थे मैंने कढ़ी चावल बनाया है, तो पहले देखते हैं कैसा बना है और आपको भी दिखाते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग एंड होगा। तो फाइनली अब खाना आ चुका है, मैं ज़रा आपको खाने के दर्शन कराता हूँ। ये है कढ़ी चावल, मैंने थोड़ा सा प्याज लिया साइड में गर्मी के टाइम पे, और ये है कढ़ी चावल बनाने वाले व्यक्ति, हमारे बड़े चाचा। कैसा बना चाचा? बहुत ही ज़बरदस्त। पक्का? पक्का। खुद ने बनाया इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं यार, मैं अपनी तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वैसे बड़े ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते, ये तो है भाई। तो इन्होंने पहले ही भगावक खाना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ और कहना चाहोगे अपने खाने के बारे में? ये तो तारीफ तो आप करोगे ना? हाँ वो तो जब मैं खाऊंगा तो पता चल ही जाएगा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी तो फिर देखी जाएगी, और शेयर और लाइक भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।